तो दादो चल जाए भी कभी सोचना बैठेड़ा मिल जाए थार कर पांच आदमी बैठेड़ा कर के ले क्यों जोरा मर्दी बीजेपी को जनाजो कांडो हो बीतेड़ो खेल है के साहब जना को उस रैली चाल रही है ये की मरेड़ी रैली बोली थोड़ी बोल रही है यात्रा थोड़ी बोल रही है ये मत बोलो भाई उड़िया उड़िया मतलब 16 17 कैंडिडेट है हमको नहीं है हां तो आज तो भाई काट कर रहा है क्यों बता पांच सात दिन तो नारा होगा कि तो टुकड़ा हुआ है कहा बेरोई बन पड़ा कट्ठी कत्ता टुकड़ा हुआ तेली छमगढ़ में टिकट मिले बिन चुनाव जीताओ और सही कहबा में कदे भी आदमी नहीं चकनू नहीं चाहे जे बात हो जती कहवे जनता ने झूठा जूती तोड़ावे वो नेता सही नहीं वे के कहूं थाने बात प्रधान जी देवड़ी फिर मेरा भाई सरपंच डायरेक्टर नहीं कहवा को नहीं मैं एक बात बताऊं चाहूंगा कि आप सब लोग जबकि इज्जत माने बख्शी है जबको आशीर्वाद दियो है जबको मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में मिले है गोविंद डोटासरा ने तो वो लक्ष्मणगढ़ के आप लोगों की वजह से मिले मेरे में कोई अकेले में कोई गुरु मंगो तो आप सब लोगों के मिले तो मैं आपसे दूर किया हूं सब लेकिन मैं शुरू से एक आदत रखी कि आदमी ने जबकि बात काम हो सके भी की हाँ बढ़नी जबकि नहीं हो सके भी की नहीं बढ़नी इससे के हुए कि जगह आदमी के काम बने वो पूरे पूरे सर बनावे वो कह नहीं एनम तो लेनी पड़ सके भाई दुख पावे अब भाई पावे अपने एनम की जगह यही तो भाई आवे अब एनम की जगह नहीं वजह मैं को जगह को नहीं वगैरह ना लेनी पड़ सी जना आ कहनी पड़े भाई जी जगह को नहीं सब सेंटर और फुल सी जना अपन बात कर सके तो आ बात तो सही कहनी पड़े और सही कहबा मैं कदे भी आदमी नहीं चकनू नहीं चाहे जे बात हो जती कहवे जनता ने झूठा जूती तोड़ावे वो नेता सही नहीं वे झूठ बोले और पाखंड करे वो नेता ज्यादा नहीं बोलते इले मेरे मन में है कि अब मैं दोबारा वकालत तो कर कौन सो को दुकान मेरे से भूले को नहीं तो मैं तो ही मैं था के बीच में रण हूं इसलिए मैं साची कहूं जबकि कहूं जता मैं था का काम कर दूं वो मैं संकल्प लेता हूं अब आर एक वक्त बनवारी जी डाका बोलिया को बोलिया के साहब जना को उस रैली चाल रही है ये की मरेड़ी रैली बोली थोड़ी बोल रही है यात्रा थोड़ी बोले यात्रा तो बोले राहुल गांधी जी आली ने जगह ने लाख लाख आदमी सागे चले है ए तो कुछ सुन करे गांव में चार जना बैठे पांच जना बैठे छह जना बैठे बेटी का बापो कोई बूढ़ो दादो चल जाए भी कभी सोचना बैठेड़ा मिल जाए थार कर पांच आदमी बैठेड़ा कर गेले यात्रा के मायने क्या की यात्रा है हैं क्यों जोरा मर्दी बीजेपी को जनाजो कांडो हो बीतेड़ो खेल है पांच साल के मायने बीजेपी का लोग एक आंदोलन करे हुआ तो बता दियो चार साल के मायने एक कोई केंद्र की सरकार से कोई ढंगो कोई काम लिया है वह तो मन बता दियो एक सड़क लिया है वह तो बता दियो एक कोई योजना लिया है वह कोई नौकरी को कोई तोहफो लिया है वह तो मन बता दियो अरे आपने तो इतने तीन तेरा वेड़ा है रोजी नहीं नयो गजट आवे आज वो आवे लो भाई आवे लो तो आवे लो खाली किए रही आपने तो आपने संगड़ा रो जके ने कांग्रेस से लिछमगढ़ में टिकट मिले बिन चुनाव जीताओ अरबी के बाद के मायने विकास की गंगा बहाओ आपने तो आ दिमाग में रखा कोई भी सार्वजनिक वे न कोई जाति है न कोई पाती है न कोई पार्टी है न पॉलिटिक्स विकास का काम सबके लिए होना चाहिए मैंने कभी भी एक दिन भी ये नहीं रखा कि ये वोट दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ है ये इस जाति का है ये जाति का नहीं है मैंने हमेशा चाहे ट्रांसफर व्याप को देख लियो चाहे सड़क हुआ तो देख लियो और कोई काम दूसरा कोई भी विकास को काम हुयो तो आप कदे ही बात को विचार को नहीं करियो और 15-20 दिन चुनाव की बात होनी चाहिए चाहे 15-20 दिन पार्टी की बात होनी चाहिए शहर का लोग बता सके कि कदे भी कोई भी आदमी देयो है तो बाकी कोई बात खोटी पड़ी हुआ तो बता दे कदे भी कोई बागे दिक्कत आई वह मैं टेलीफोन करे हुए तो भी को अगर कोई रिजल्ट नहीं आई हुआ तो बता दे तो सब लोगों को काम करा अरे अब गाड़ा मार स्थान है मुख्यमंत्री जी बोकला राजी कर रखे है ओपीए और के तो लागू हुई जगह तो भूल गा रहे मार से सगला याद आ गया मैं पूरे राजस्थान के मायने यात्रा निकली तो मास्टर उछल उछल यात्रा के मायने ओपीएस जिंदाबाद ओपीएस जिंदाबाद तो आने भी पूरो को पूरो जो को आपको हक हो वो मिले है आपने लक्ष्मणगढ़ के मायने विकास का जगह काम है वह हुआ है
एक बजट और आबाड़ो है भी बजट के मायने और ज्यादा आपा विकास का काम लावांगा, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो चाहे नेछवा पंचायत समिति, वो कोई और कसर को नहीं छोड़ांगा और जका काम अपना चालू है अधूरा है बन पूरा करांगा। सही कह रहा, कई लोग आवेगा कहीं बोलिया चेयरमैन साहब उन्हें बोलिया ये मत बोलो भाई उन्हें बोलिया मतलब 16-17 कैंडिडेट है हमको नहीं है, है? हाँ तो आग तो भाई काट कर रहा है क्यों बता, 5-7 दिन तो नारा होगा कि अतः टुकड़ा होएगा आगे मार बेरो ही बन पड़ा कट्ठे कत्ता टुकड़ा होगा क्यों कि पे स्वार्थ से काम कर रहे आपा निस्वार्थ से काम कर कदे भी वो दिमाग में को नहीं रखी कि वो वोट दिल हो जाना ही को काम कर। आज मान लो सड़क बने हॉस्पिटल बने स्कूल खुले तो आज सके काम आवेगी ना, और सके काम आवे सगड़ा के मन में भावे ना वो ही नेता हुए। जीत हार तो चलती रहे, कोई जीत भी जाए कई बार, लेकिन लहरों में गाड़ काट तन बोला देखे कि जीत तो क्यों अब कड़ा कौन जीत हुआ। आपने अठे जो भी काम है वो बताओ, काम करांगा विकास का काम करांगा, विकास के लिए जनप्रतिनिधि बने नहीं काई काम है बताओ दूसरी काई बात। अब तो बड़ो मान सम्मान लोग आवे भागे दौड़े, आज थोड़ी सी सूचना दी टेलीफोन से, आज तो मारो भी मनोबल बढ़ियो कि भाई सब लोग विकास को काम चावे तो आपने ज्यादा से ज्यादा अठे विकास को काम करानो है। और बाकी चिंता मत करो बनवारी जी, घूम भाजो आदमी के है के काम वालो आदमी काम करे वो दिखे, ऐसा है ना, ऐसा आपने से ज्यादा अकलवान है, नेता ने चरबाड़ा लोग है सारा का सारा सब चीज समझे है कि कौन आदमी काम की खातर आवे और कौन आदमी फालतू की बात कर बिरदा बनावे। इसलिए आपकी दिमाग के ऊपर आपने बुद्धि के ऊपर ज्यादा सक्कर बाकी आवश्यकता को नहीं, अपना लोग पूरी तरीके से समझे कि गोविंद डोटासरा की तरीके से दिल से काम करे, दिल और पूरी लगन के साथ में, क्योंकि मैं मास्टर का एक बेटा किसान का बेटा अगर मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया, 3 बार MLA प्रधान बना दिया, अब भी अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर किस बात की।